ये फर्स्ट ड्रॉअर है, इसमें मैंने सारे अपने बेबी के सामान रखे हैं, डायपर्स, टॉवल एंड वाइप्स। कितना इजी एंड कंफर्टेबल हो जाता है ये, स्पेशली फॉर न्यू बॉर्न बेबीज के लिए। सारे छोटे कपड़े, सारी जरूरत का सामान इसमें आराम से आ सकता है क्योंकि इसमें बहुत स्पेस है। मैंने अपने बैंगल्स रखे हैं। ये मल्टीपल ड्रॉअर अलमीरा की अनबॉक्सिंग और उसमें मैं कैसे सामान अपना अरेंज करके रखती हूँ, कितनी स्पेस है उसमें और हम इसको कैसे असेंबल करेंगे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये सारे आइटम्स इसके साथ मिले हैं हमें, जिससे हमें इसको कनेक्ट करना है। वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें बहुत ही इजी है इसको असेंबल करना, कोई बच्चा भी इसको आराम से असेंबल कर ले। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है इसको कितनी इजीली 5 मिनट में ये असेंबल हो जाती है और इसके अंदर बहुत सारा सामान आ जाता है बेबी से रिलेटेड। कोई भी आपको अगर इसको किचन में भी यूज़ करना है, स्पून्स के लिए, बाउल्स के लिए, तो आप इसको उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ इसको। मल्टीपर्पज़ के लिए मैंने इसको मंगाया है। बताऊंगी इसमें कैसे मैंने सारा सामान रखा है। ये देखिए, ये फर्स्ट ड्रॉअर है, इसमें मैंने सारे अपने बेबी के सामान रखे हैं, डायपर्स, टॉवल एंड वाइप्स। कितना इजी एंड कंफर्टेबल हो जाता है ये, स्पेशली फॉर न्यू बॉर्न बेबीज के लिए। सारे छोटे कपड़े, सारी जरूरत का सामान इसमें आराम से आ सकता है क्योंकि इसमें बहुत स्पेस है। मैंने अपने बैंगल्स रखे हैं, ये मल्टीपर्पज़ के लिए मैंने यूज़ करी है, स्पेशली एक चीज़ के लिए नहीं। ये बैंगल्स आराम से रख सकती हूँ मैं इसमें, अपने मैंने ज्वेलरी बॉक्स भी इसमें रखा है। इसमें बहुत स्पेस है, देखिए आराम से ज्वेलरी बॉक्स भी आ गया, बैंगल्स भी आ गए, और भी एक्स्ट्रा बैंगल्स हैं वो भी सब इसमें रखे हुए हैं मैंने।